हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रेन एंड वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रेन्स के बारे में डिस्कस किया था। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे उन्हीं पे बेस्ड। फर्स्ट एग्जांपल इज़ एन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ 2L कैन जस्ट सपोर्ट ए सर्टेन वेट व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड टिल इट्स लेंथ इज 3L। वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज नाउ अटैच्ड टू ए पॉइंट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड द सेम वेट is attached to the other end. Prove that if weight be pulled to any distance and let go, the string will become slack after a time pi by 2 under root L by G. देखो, हमने एक इलास्टिक स्ट्रिंग ली जिसकी लेंथ है 2L, नेचुरल लेंथ 2L है। उस स्ट्रिंग पे हमने कुछ वेट, कुछ मास अटैच किया और जो स्ट्रेच मास अटैच किया तो स्ट्रिंग स्ट्रेच होगी, तो जो उसकी लेंथ होगी, एक्सटेंडेड लेंथ, वो कितनी हो गई? 3L। ये है एक्सटेंडेड लेंथ, उसकी नेचुरल लेंथ 2L थी। कुछ मास अटैच किया तो स्ट्रिंग स्ट्रेच होगी। स्ट्रेच होने के बाद जो उसकी एक्सटेंडेड लेंथ है वो हमें गिवन है 3L। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसी स्ट्रिंग को आपने हॉरिजॉन्टल टेबल पे अटैच किया, एक एंड हॉरिजॉन्टल टेबल पे फिक्स कर दिया, और सेम वही मास जो आपने इस स्ट्रिंग पे अटैच किया था पहले, वही मास आपने उसके दूसरे एंड पे अटैच कर दिया, एक एंड फिक्स कर दिया, एक एंड पे वही मास अटैच कर दिया, और उस मास को आपने पुल किया और फिर रिलीज़ कर दिया, लिब्रेट कर दिया। हमें मोशन बताना है, पहले तो मोशन देखना है किस तरह का होगा, फिर हमने निकालना है यहाँ पर द स्ट्रिंग विल बिकम स्लैक आफ्टर ए टाइम ऑफ दिस। टाइम हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें मोशन पता होगा। हमें दिखाना है स्ट्रिंग में स्लैक पड़ जाएगा इतने टाइम के बाद। देखो, सबसे पहले तो हमें गिवन है किसी स्ट्रिंग पे जब हमने मास अटैच किया तो उसकी एक्सटेंडेड लेंथ 3L थी, नेचुरल लेंथ 2L थी। नेचुरल लेंथ 2L है, स्ट्रेच लेंथ और वी कैन से एक्सटेंडेड लेंथ 3L है, तो एक्सटेंशन कितनी हो जाएगी? 3L माइनस 2L, दैट इज़ L। ये हमने नेचुरल लेंथ ले ली, ओही ये उसमें एक्सटेंशन हो गई। एक्सटेंशन कितनी हो गई? L। ये दिस इज़ 2L, दिस इज़ एक्सटेंशन एंड दिस इज़ एक्सटेंडेड लेंथ 3L। इतना वेट तो वो सपोर्ट कर रही है, आपने किसी स्ट्रिंग पे मास अटैच किया, उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, उसके बाद आपने उसको कुछ पुल नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो क्या आ गई? इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गई। इक्विलिब्रियम पोजीशन में अगर आ गई तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है वो बैलेंस कर रहे होंगे। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज़ ड्यू टू इट्स मास mg, और अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज़ टेंशन फोर्स t। सो बट अब इतना वेट वो कैरी कर सकती है जब तक उसकी लेंथ 3L हो जाती है, मींस मास अटैच करने के बाद लेंथ में तो एक्सटेंशन हुई, उसके बाद वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गई होगी। सो जो टेंशन है वो mg के इक्वल हो चुकी होगी, एंड टेंशन इज बाय हुक्स लॉ लैम्डा इनटू एक्सटेंशन ओवर ओरिजिनल नेचुरल लेंथ, और एक्सटेंशन कितनी है? L, और नेचुरल लेंथ कितनी है? 2L इक्वल्स टू mg। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई 2mg, लैम्डा आ गया। अब हमने इसी स्ट्रिंग के एक एंड को हॉरिजॉन्टल टेबल पर फिक्स कर दिया, और ये ओए ले ली नेचुरल, जो स्ट्रिंग है हमारी नेचुरल लेंथ 2L है, उसका एक एंड आपने ओ फिक्स कर दिया, दूसरे एंड पे आपने कुछ मास अटैच किया, ये मास आपने अटैच किया यहाँ पर, फिर आपने क्या किया, इस मास को पुल किया, सपोज ये आपने बी तक ले गए, फिर छोड़ दिया, रिलीज़ कर दिया। आपने बताना है मोशन कैसा होगा। हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग का आर्टिकल पढ़ा था, उस आर्टिकल में हमने यही स्टडी किया था। अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है, इसके एक एंड पे अगर आपने मास अटैच किया है, उस मास को आपने सपोज बी डिस्टेंस तक पुल किया, उसके बाद छोड़ दिया, तो मोशन कैसा रहता था यहाँ से यहाँ तक? तो आपका क्या होता था? सिंपल हार्मोनिक मोशन, ए टू बी एंड बी टू ए मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन रहता था। उसके बाद फिर वापस स्ट्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाती थी, क्योंकि जब स्ट्रिंग वापस जा रही है, जब यहाँ पर आई तो उसमें टेंशन ख़त्म हो गई, जब यहाँ से यहाँ जा रही है तो क्या हो रही है, उसमें स्ट्रेचिंग हो रही है तो टेंशन एक्ट कर रही है। फिर यहाँ से जब आप उसको छोड़ रहे हो मास को, तो स्ट्रिंग इस तरह से जा रहा है मास आपका, इस टाइम तो उसमें टेंशन है क्योंकि एक्सटेंशन है उसमें कुछ, बट जैसे ही वो यहाँ ए को क्रॉस करेगी तो उसमें क्या होगा, टेंशन ख़त्म हो जाएगी क्योंकि वो अब अपनी नेचुरल लेंथ में आ गई। जब टेंशन ख़त्म हो जाती है तभी स्ट्रिंग में स्लैक पड़ जाता है। स्लैक होने का मीनिंग क्या है, उस पर कोई टेंशन एक्ट नहीं कर रही, वो फ्रीली मूव कर। अब यहाँ पर ए पॉइंट पर आप जब ए को क्रॉस करती है वो क्या होगा, कोई टेंशन एक्ट नहीं करेगी, स्ट्रिंग में स्लैक पड़ जाएगा। आपने निकालना है कि स्लैक कितने टाइम के बाद पड़ेगा, मींस आप बी से ए तक का टाइम निकाल ले,
क्योंकि जैसे ही वो ए को क्रॉस करेगी तो स्ट्रिंग में क्या पड़ जाएगा, स्लैक पड़ जाएगा। सो आपने यही निकालना है कि स्ट्रिंग में कितने टाइम के बाद स्लैक पड़ जाएगा। तो हम बी से ए तक का टाइम निकाल देंगे, क्योंकि जैसे ही वो बी से ए तक का टाइम क्रॉस करेगी, ए तक पहुंचेगी, उसमें स्लैक पड़ जाएगा, क्योंकि स्लैक पड़ने का मीनिंग क्या है, कोई टेंशन एक्ट नहीं करेगी, जीरो टेंशन। सो हम टाइम निकाल लेंगे फ्रॉम बी टू ए। नेचुरल लेंथ हमारी 12 है, एम्पलीट्यूड हमने ए मान लिया, जहाँ तक हम स्ट्रेच करते हैं। ए पॉइंट से आपने स्ट्रेच करना स्टार्ट किया, बी पॉइंट तक इसको स्ट्रेच किया, तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा ए। हमने पी मान ली, जब ए से बी तक आप इसको स्ट्रेच कर रहे हो, मास को यहाँ लेकर आ रहे हो, तो हमने सपोज कर लिया किसी टाइम टी पर जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन क्या है, पी, और ये ए पी हमने ले लिया एक्स। इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं हम, वी नो इक्वेशन ऑफ मोशन इज मास इंटू एक्सेलरेशन इज फोर्स एम इंटू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स, और फोर्स यहाँ पर कैसी एक्ट कर रही है, टेंशन फोर्स। यहाँ पर जो हमारी टेंशन है वो हमारी, देखो इस तरफ आप पुल कर रहे हो तो जो टेंशन लगेगी वो इस तरफ लगेगी। टेंशन जो एक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में, वो डिक्रीजिंग एक्स की डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो माइनस टी डैश आएगा, क्योंकि जहाँ हम फोर्स लगा रहे हैं टेंशन उससे अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, इस तरह से हम कह सकते हैं। या फिर जिस डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट कर रहा है वो डिक्रीजिंग एक्स की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, सो टेंशन यहाँ नेगेटिव हो जाएगी। एंड दिस इज़ माइनस लैम्डा एक्स, यहाँ से यहाँ तक, हम यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं। लैम्डा इंटू एक्सटेंशन कितनी हो गई, एल ओवर नेचुरल लेंथ कितनी थी हमारी, 2L। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी, दैट इज़ मास इंटू दिस इज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स या टेंशन फोर्स है, और फोर्स को हमने, टेंशन फोर्स को हमने हुक्स लॉ से लिखा, माइनस लैम्डा इंटू ए से पी तक एक्सटेंशन कितनी हुई हमारी, एक्स ओवर 2L। सो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस लैम्डा एक्स ओवर 2LM। ये हमारी इक्वेशन है इस फॉर्म की, डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस म्यू एक्स, वेयर म्यू इज दिस लैम्डा ओवर 2LM, और लैम्डा की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, लैम्डा इज दिस 2mg। लैम्डा को 2mg पुट कर दिया, यहाँ 2m से 2m कैंसिल हो गया, तो म्यू की वैल्यू आ गई g ओवर l। अब आपने देखो मोशन तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, आपको इतना पता चल गया, और सेम आर्टिकल आपने हॉरिजॉन्टल मोशन के केस में भी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग के केस में भी किया था। अब यहाँ पर आपने निकालना है टाइम कि स्ट्रिंग में स्लैक कितने टाइम के बाद पड़ेगा। स्ट्रिंग में स्लैक तब पड़ेगा जब वो पार्टिकल ए को क्रॉस करेगा। देखो ओ से ए तक तो उसकी नेचुरल लेंथ थी, उसके बाद आपने स्ट्रेच किया था यहाँ बी तक, उसके बाद आपने छोड़ दिया, रिलीज़ कर दिया। जब आपने रिलीज़ किया तो जैसे ही वो ए को क्रॉस करेगा उसमें स्लैक पड़ जाएगा, मीन्स टेंशन उस पर कोई एक्ट नहीं करेगी। सो स्लैक पड़ जाएगा कितने टाइम के बाद, बी ए टाइम के बाद, और ये बी ए टाइम कितना होगा, 1/4 ऑफ टाइम पीरियड। हमने जब मोशन डिस्कस किया था, एक बार रिकॉल कर लेते, ये हमारा ओ था, ये हमारा ए था, दिस इज ओ, दिस इज ए। अब यहाँ से आपने इसको, ये इसका एम्पलीट्यूड था जहाँ तक आपने इसको स्ट्रेच किया था। अब ये इसकी नेचुरल लेंथ थी 2L। यहाँ से यहाँ तक जो मोशन था सिंपल हार्मोनिक मोशन था, अगेन यहाँ से यहाँ तक जो मोशन था वो सिंपल हार्मोनिक मोशन था। फिर स्ट्रिंग में क्या हुआ था, यहाँ से यहाँ तक सेम ए डैश इसी लेंथ तक, 2L लेंथ तक स्ट्रिंग में अगेन मोशन हुआ था, और ये मोशन हुआ था यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, पार्टिकल मूव कर रहा था, यहाँ कोई टेंशन नहीं थी। फिर ए डैश से बी डैश तक भी पार्टिकल गया था, सेम लेंथ, जितनी लेंथ यहाँ थी ए बी उतनी लेंथ यहाँ गया था, और यहाँ पर भी मोशन कैसा था, सिंपल हार्मोनिक मोशन। मींस जो सिंपल हार्मोनिक मोशन था वो ए डैश से बी डैश, बी डैश से ए डैश, और ए टू बी और बी टू ए था, और ए डैश से लेकर ए तक जो मोशन था वो कैसा था, यूनिफॉर्म मोशन था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ पार्टिकल मूव कर रहा था। तो आपने निकालना है टाइम, टाइम आपका क्या होगा, टाइम पीरियड सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको जस्ट निकालना है, बी से ए तक का टाइम। आपका जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है, ए टू बी, बी टू ए, देन ए डैश टू बी डैश, बी डैश टू ए डैश, ये आपकी एक साइकिल बनती है, ये आपका टाइम पीरियड होता है। बट हमें निकालना है बी से ए तक का टाइम, वो आपका क्या हो जाता था, 1/4 ऑफ टाइम पीरियड। डिटेल में हमने जो आर्टिकल किया था तब डिस्कस किया था, आप वहाँ से देख सकते हैं टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बी से ए तक का 1/4 ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज़ 2π/√μ, 1/4 ऑफ ये 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज π/√μ, रूट म्यू की वैल्यू पुट कर दी √g/L। सो सिंप्लीफाई कर लिया, दिस इज द रिक्वायर्ड टाइम। सेकंड क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज अटैच्ड टू द मिडल पॉइंट ऑफ ए यूनिफॉर्म इलास्टिक स्ट्रिंग व्हिच इज स्ट्रेच्ड बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी,
ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल. इफ़ द पार्टिकल इज पुल्ड टू सम डिस्टेंस सी बिटवीन ए एंड बी एंड देन लिबरेटेड, शो दैट द मोशन इज सिंपल हारमोनिक, फाइंड द पीरियड ऑफ मोशन एंड वट इज़ द एम्पलीट्यूड. देखो यहाँ पर एक पार्टिकल को हमने एक स्ट्रिंग के मिडल पे अटैच किया है. अब जो स्ट्रिंग है स्ट्रेच्ड किस पॉइंट्स के बीच में है, ए और बी. कोई स्ट्रिंग होगी जिसकी नेचुरल लेंथ हम मान लेते हैं सपोज एल. ये स्ट्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ एल है. अब क्या किया हमने, इस स्ट्रिंग को दोनों साइड से स्ट्रेच किया, यहाँ से भी स्ट्रेच किया यहाँ से भी. अब तक हम स्ट्रिंग को क्या कर रहे थे, एक एंड को फिक्स कर रहे थे, दूसरे एंड को स्ट्रेच कर रहे थे. बट यहाँ पर इस स्ट्रिंग को हमने यहाँ से भी पुल किया, यहाँ से भी पुल किया. पुल करने के बाद हमने इसके दोनों एंड फिक्स कर दिए. ये दो एंड है ए और बी. ये पुल करने के बाद जो एक्सटेंडेड लेंथ है वो ये है. अब इसके मिडल पे हमने एक मास अटैच किया, इसका मिडल पॉइंट हमने ले लिया ओ. इसके मिडल पे हमने मास अटैच किया और उस पार्टिकल को हमने पुल किया किसी पॉइंट सी तक और फिर छोड़ दिया. हमें शो करना है मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा. देखो सबसे पहले हमने ये स्ट्रिंग ली, इसकी नेचुरल लेंथ ले ली एल. उसके बाद इस स्ट्रिंग के दोनों एंड को हमने पुल किया, दोनों एंड से इसको खींचा, तो जो हमारी स्ट्रिंग है वो हमारी ये आ गई. और जो दो एंड है उसको हमने ए और बी से डिनोट किया, उन दो एंड को हमने फिक्स कर दिया किसी टेबल के साथ टाई कर दिया. अब जो स्ट्रेच्ड लेंथ हुई वो हमने ले ली एल प्लस एल डैश. एल इसकी नेचुरल लेंथ थी, जो स्ट्रेच करने के बाद एक्सटेंडेड लेंथ हुई है और वी कैन से स्ट्रेच्ड लेंथ है, वो हमने ले ली एल प्लस एल डैश. मीन्स एल डैश उसमें एक्सटेंशन हो गई. एल नेचुरल लेंथ थी, एल डैश एक्सटेंशन हो गई, तो एक्सटेंडेड लेंथ कितनी हो गई, एल प्लस एल डैश. सो ए बी कितना हो गया हमारा, एल प्लस एल डैश. ओ हमने ले लिया मिड पॉइंट. ओ मिड पॉइंट ले लिया तो ए ओ कितना हो गया, हाफ एल प्लस एल डैश. इसी तरह से ओ बी भी कितना हो गया, हाफ एल प्लस एल डैश. अब हमने क्या किया, इस एंड पॉइंट से, इस मिड पॉइंट से एक मास अटैच किया, उसको हम किसी डिस्टेंस सी तक, मिड पॉइंट से मास अटैच करा है, उस मास को ए बी के बीच में कहीं तक भी मूव करवाया है. हम सपोज सी तक उसको पुल किया फिर उसको छोड़ दिया. हमें बताना है कि मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा. आपने इस स्ट्रेच स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड है, स्ट्रेच स्ट्रिंग के मिडल से मास को आपने खींचा है, उसको किसी सी पॉइंट तक लेके गए हो, फिर उसको छोड़ दिया है. आपने देखना है मोशन कैसा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, या आप प्रूव करोगे. सो हमने सपोज कर लिया जब आपने इसको सी पॉइंट तक पुल किया है, तो किसी टाइम टी पर पार्टिकल की पोजीशन पी होगी, उस ओपी को हमने ले लिया एक्स. अब देखो अब तक आप जो डिस्कस कर रहे थे वो ये था, एक एंड फिक्स था, एक एंड पे आपने मास को पुल किया, ओ ए फिक्स होता था. यहाँ पर अगर आप मास को पुल कर रहे हैं तो जो टेंशन होती थी वो इस डायरेक्शन में होती थी. अब यहाँ पर क्या है, आपकी ये जो ए और बी स्ट्रिंग है ये स्ट्रेच स्ट्रिंग है. जब इसको आपने, जब आपके पास स्ट्रिंग इस तरह से थी जिसकी लेंथ एल थी, इसको आपने यहाँ से भी खींचा यहाँ से भी खींचा. जब यहाँ से खींच रहे हो तो टेंशन इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, जब इसको यहाँ खींच रहे हो तो टेंशन इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी. मीन्स दोनों डायरेक्शन में टेंशन एक्ट करेगी. सो हमने टेंशन को डिनोट कर दिया टी वन और टी टू से. टी वन टेंशन जो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, टी टू टेंशन जो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है. अब टेंशन दोनों डायरेक्शन में इसलिए ली है क्योंकि आपने स्ट्रिंग को दोनों एंड से पुल किया है, यहाँ से भी पुल किया यहाँ से भी पुल किया. जब यहाँ से पुल कर रहे हो तो टेंशन इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, जब यहाँ पुल कर रहे हो तो टेंशन इस डायरेक्शन में. सो जो अब आपकी जो टेंशन है, अगर हम एक टेंशन आपकी एक्ट करेगी इस पोर्शन में, ए पी पोर्शन में एक टेंशन आपकी एक्ट करेगी इस पोर्शन में. सो हम जो पहले टेंशन निकालेंगे, यहाँ पर दो फोर्सेस एक्ट करेंगे T1 and T2. एक फोर्स आपका एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में ए पी पार्ट में. तो पहले हम ये टेंशन फाइंड आउट करेंगे. देखो ए पी पार्ट आपका इस तरह का है, ये ए है, ये ओ है, ये पी है. अगर हम सिर्फ अभी इतना पोर्शन ही कंसीडर करें, ये आपकी जो लेंथ है दैट इज़ हाफ एल प्लस एल डैश, ये है. उसके बाद ओ पी डिस्टेंस आपका है एक्स. सो यहाँ पर अगर आप देखो, अब ये आपकी लेंथ की एक्सटेंडेड लेंथ है, ये एल डैश भी एक्सटेंशन थी, ये एक्स भी एक्सटेंशन है. आपने इतना पुल किया मास को, सो एक्सटेंडेड लेंथ कितनी है यहाँ पर,
हाफ ए पी लेंथ कितनी है, हाफ एल प्लस एल डैश प्लस एक्स। और नेचुरल लेंथ कितनी है यहाँ पर, देखो ये एल डैश बाई टू भी एक्सटेंडेड लेंथ है, एक्स भी एक्सटेंडेड लेंथ है, तो नेचुरल लेंथ यहाँ कितनी है, सिर्फ एल बाई टू है। या फिर आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, हमारे पास जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी उसकी लेंथ एल थी, उसका हमने ये मिड पॉइंट ले लिया, आपने सिर्फ ये मिडल वाला पोर्शन हाफ पोर्शन कंसीडर किया, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी एल बाई टू। अब यहाँ पर आपने, ये तो थी उसकी नेचुरल लेंथ, फिर उसके बाद आपने इसी को एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड करने के बाद लेंथ कितनी आ गई थी एल प्लस एल डैश, और इसका मिडल पॉइंट तक ये लेंथ कितनी हो गई थी एल प्लस एल डैश बाई टू, दैट इज़ दिस एल प्लस एल डैश बाई टू। अब आपने जो पार्टिकल है वो पॉइंट से खींचा और पी पॉइंट तक ले गए, यही किया आपने, तो जो एक्सटेंडेड लेंथ हुई वो आपकी इतनी हो गई हाफ एल प्लस एल डैश प्लस एक्स, ये आपकी एक्सटेंडेड लेंथ हो गई, क्योंकि एल डैश क्या थी, एक्सटेंशन थी, एक्स भी क्या है, एक्सटेंशन। और नेचुरल लेंथ कितनी है यहाँ पर, हाफ एल, नेचुरल लेंथ सिर्फ हाफ एल थी, सो एक्सटेंशन कितनी हो जाएगी, एक्सटेंडेड लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ, एक्सटेंशन आपने निकाल ली हाफ एल प्लस एल डैश प्लस एक्स माइनस हाफ एल, और ये आपकी आ रही है एल डैश प्लस एल डैश बाय टू प्लस एक्स, ये आपकी आ गई एक्सटेंशन। अब हम निकालेंगे पी बी पोर्शन में जो टेंशन एक्ट कर रही है, देखो आपने अब क्या किया था यहाँ पर, ये आपका पी था, ये आपका बी था, ये आपका ओ था, ठीक है, ये जो आपकी लेंथ थी ये कितनी थी हाफ एल प्लस एल डैश, और ये डिस्टेंस कितना था एक्स। अब आप यहाँ देखें जो आपकी एक्सटेंडेड लेंथ है वो कितनी है, एक्सटेंडेड लेंथ आपकी, देखो ये भी एक्सटेंशन है, यही ये पूरी एक्सटेंशन है हाफ एल प्लस एल डैश, इसमें ये पोर्शन भी ऐड हो रहा है। अब आपका पार्टिकल कहाँ पर है, यहाँ पर है, अब तक जो आप एक्सटेंशन करते थे वो इस तरह से होती थी कि यहाँ तक नेचुरल लेंथ होती थी, उसके बाद आप एक्सटेंड करते थे एक्स, तो एक्सटेंडेड लेंथ आपकी हो जाती थी एल प्लस एक्स। अगर इसी केस में आप इसको इस तरह से करें, ये अगर नेचुरल लेंथ थी, अब आप जो पार्टिकल या मास को पुल कर रहे हैं, अभी तो आप कहाँ पुल कर रहे थे, यहाँ पुल कर रहे थे, यहाँ तक ले गए थे, तो एक्स एक्सटेंशन होती थी तो एल प्लस एक्स एक्सटेंडेड लेंथ हो जाती थी। अब अगर आप पार्टिकल को यहाँ तक, यहाँ पर ले आए, सपोज़ बाहर आउटसाइड ना ले गए, यहाँ ले गए, एक्स ये है, ये पी पॉइंट है, तो आपकी जो एक्सटेंडेड लेंथ कितनी हो जाती, हो जाएगी एल माइनस एक्स हो जाएगी। अब ये एल प्लस एक्स ना होकर एल माइनस एक्स हो जाएगी, यहाँ पर तो आपकी लेंथ स्ट्रिंग की कितनी हो जाती थी स्ट्रेच करने के बाद एल प्लस एक्स, यहाँ पर आपने अगर सपोज़ ये है ओ ए एंड, ये आपका ओ ए एंड है, आपने यहाँ से इसको स्ट्रेच किया, अगर आप ले जाते हो आउटसाइड बी तक, ये एक्स थी ये एल थी, तो एक्सटेंडेड लेंथ एल प्लस एक्स हो जाती थी। अब आप अगर सपोज़ आपके पास ये नेचुरल लेंथ है ओ ए एल, अब आप अगर पार्टिकल को यहाँ ले जाओ, इधर लेके जाओ, ये एक्स है, मीन्स अंदर की तरफ पुल करो, अभी तो आप बाहर की तरफ पुल कर रहे थे, अंदर की तरफ पुल करो, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, अब पार्टिकल अब यहाँ पर नहीं है, ये फिर पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, तो लेंथ कितनी हो जाएगी एल माइनस एक्स, ये आ जाएगा, यही यहाँ पर हो रहा है। अब देखो जब आपके पास स्ट्रिंग थी, यहाँ से देखो, अब यहाँ से अगर आप कंसीडर कर रहे हो, पार्टिकल यहाँ पर है, अब आप कंसीडर कहाँ से कर रहे हो, एक बार तो यहाँ से कंसीडर कर रहे हो, एक बार यहाँ से कंसीडर कर रहे हो, जब आप यहाँ से कंसीडर कर रहे हो, यहाँ पार्टिकल है, तब तो ये क्या काम कर रही है, एक्सटेंशन का काम कर रही है, कि ये उसकी नेचुरल लेंथ थी जो जो ये, फिर ये एक्सटेंशन है, इस तरह का हो रहा है। बट अगर आप इसको यहाँ से कंसीडर कर रहे हो, यहाँ से ये उसकी लेंथ थी, अब पार्टिकल आ गया यहाँ पर, इनवर्ड डायरेक्शन में पुल किया, तो जो उसकी लेंथ हो गई वो अब कम हो गई ना, पार्टिकल अब यहाँ आ गया, तो लेंथ कितनी हो गई, दिस माइनस दिस। अब यहाँ पर भी यही हो रहा है, अगर हम पी बी पोर्शन में बात करें, जो टेंशन एक्ट कर रही है, ये हमारा ओ था, ये हमारा बी था, यहाँ पार्टिकल पी पॉइंट पे है, अब ये लेंथ हमारी थी हाफ एल प्लस एल डैश, और ये हमारा था एक्स, ओ पी हमारा एक्स था। अब यहाँ पर अगर हम देखें, जो हमारी एक्सटेंडेड लेंथ हो गई वो कितनी हो गई, पार्टिकल देखो पहले तो यहाँ से यहाँ तक था स्ट्रिंग की लेंथ, अब स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ आ गई क्योंकि मास को हम यहाँ ले आए, अब जो हमारी एक्सटेंडेड लेंथ होगी वो कितनी हो गई, दिस हाफ एल प्लस एल डैश माइनस एक्स, क्योंकि एक्स तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है ना, ये लेंथ है हाफ एल प्लस एल डैश, इसमें एक्स ऑलरेडी इंक्लूड है, तो जो एक्सटेंडेड लेंथ हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, हाफ एल प्लस एल डैश माइनस एक्स,
अब पार्टिकल का डिस्टेंस हम यहाँ से मेजर, पार्टिकल क्योंकि यहाँ पर है तो ये डिस्टेंस आ जाएगा हाफ एल प्लस एल डैश माइनस एक्स, और नेचुरल लेंथ कितनी हो गई, सिर्फ हाफ एल। देखो ये लेंथ पूरी है हाफ एल प्लस एल डैश, इसमें नेचुरल लेंथ कितनी है, हाफ एल है, ये भी एक्सटेंशन है, एक्स भी एक्सटेंशन है, तो नेचुरल लेंथ हाफ एल है, एक्सटेंडेड लेंथ है हाफ एल प्लस एल डैश माइनस एक्स। ये माइनस इसलिए हुआ क्योंकि अब आप इनवर्ड डायरेक्शन में ही पुल कर रहे हो, पहले आप आउटसाइड पुल करते थे तो ये लेंथ बढ़ जाती थी, एक्सटेंडेड लेंथ इंक्रीज हो जाती थी, बट अब अगर आप इनवर्ड डायरेक्शन में ही पुल कर रहे हो तो जो एक्सटेंडेड लेंथ है वो कम हो जाएगी। सो एक्सटेंशन आपकी हो गई एक्सटेंडेड लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ, ये हो गई एल डैश बाई टू माइनस एक्स। अब हुक्स लॉ से हम दोनों टेंशन निकाल सकते हैं। फर्स्ट केस में जो हमारी टेंशन है दैट इज़ टी वन, अब टी वन हमारी क्या होगी, लैम्डा इंटू एक्सटेंशन ओवर ओरिजिनल लेंथ, एक्सटेंशन कितनी हुई यहाँ पर फर्स्ट केस में, दिस एल डैश प्लस बाई टू प्लस एक्स, और नेचुरल लेंथ कितनी है दिस। सो टेंशन कितनी हो जाएगी, लैम्डा इंटू एल डैश बाई टू प्लस एक्स ओवर नेचुरल लेंथ, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस इज़ टी वन। सेकेंड केस में हमारी जो टेंशन टी टू हमने ली वो क्या होगी, लैम्डा इंटू एक्सटेंशन, सेकेंड केस में एक्सटेंशन कितनी हो गई, एल डैश बाई टू माइनस एक्स ओवर नेचुरल लेंथ दैट इज़ हाफ एल, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ये टेंशन आ जाएगी। अब जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी, अब देखो ये टेंशन यहाँ एक्ट कर रही है टी टू, ये टेंशन टी वन यहाँ एक्ट कर रही है, बट मास आपका कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, मास को आप ओ से पी तक लेके जा रहे हैं, तो जो टी टू टेंशन है वो क्या होगी, ग्रेटर देन टी वन होगी, क्योंकि आपका मास आप ओ से लेकर पी तक लेके जा रहे हो, जो टी टू डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। सो हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो लिखेंगे दैट इज़ मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स, नेट फोर्स आपका हो जाएगा टी टू माइनस टी वन, और टी टू टेंशन आपने निकाल ली है दैट इज़ दिस, टी वन टेंशन आपने निकाल ली है दैट इज़ दिस, पुट कर देंगे वैल्यूज, सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस इज़ कमिंग आउट माइनस फोर लैम्डा एक्स ओवर एल, सो डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज़ माइनस फोर लैम्डा एक्स ओवर एल एम, कंपेयर इट विद माइनस म्यू एक्स, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी फोर लैम्डा ओवर एल एम। सो पीरियड उसके देखो यहाँ से तो आपने बता दिया कि मोशन कैसा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है अबाउट ओ, अबाउट ओ क्यों कह रहे हैं, जहाँ से हम स्ट्रेच करते हैं वहाँ से सिंपल हार्मोनिक मोशन होना स्टार्ट होता है, आप ओ पॉइंट से स्ट्रेच कर रहे हैं मास को, सो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा विद सेंटर ओ, और यहाँ पर जो टाइम पीरियड होगा दैट इज़ टू पाई बाई रूट म्यू, टू पाई बाई रूट म्यू वैल्यू पुट कर दी। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है, जहाँ से जहाँ तक आप पार्टिकल को खींचते हो, आपने कहाँ से पुल करना स्टार्ट किया, ओ पॉइंट से पुल करना स्टार्ट किया, कहाँ तक पुल किया, सी पॉइंट तक पुल किया, सो ओ सी क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आपका वो डिस्टेंस होता है जहाँ से आप पार्टिकल को पुल करना स्टार्ट करते हो और जहाँ तक आप मैक्सिमम उसको पुल करते हो, मीन्स रेस्ट तक लेके आते हो, सी तक आने के बाद आपने स्टॉप कर दिया था पार्टिकल, फिर आपने देखा था मोशन किस तरह का रहेगा, तो ओ सी आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा।